पवन सिंह का एक नया गाना जो कि भाई इस समय बहुत ही दमदार धूम मचा रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। गाने का नाम है माई के निवतले बानी। गाना तो लोगों को पसंद आ ही रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ पवन सिंह का जो देहाती अवतार है वो लोगों को और भी ज्यादा पसंद आ रहा है, तो इसी गाने के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी भारत और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांत। आपको बता दें कि भाई ये जो नया गाना आया है पवन सिंह का, इसको जनता जनार्दन का ना सिर्फ प्यार मिल रहा है बल्कि बहुत ज़्यादा समर्थन भी मिल रहा है। और ये चीज़ तो हम सब मानेंगे, भाई पवन सिंह के जो गला है उसमें खुद माँ सरस्वती जी वास करती हैं। और यही वजह है कि जब भी अगर कोई भक्ति गीत पवन सिंह जी गाते हैं तो भाई समझ लो कि मतलब पूरा आप भक्ति रस में डूब जाएंगे अगर आप वो गीत सुन ले तो। और ये जो नया गाना है ये भी कुछ इसी प्रकार का है। गाना जो है वो शिल्पी राज और पवन सिंह दोनों ने एक साथ गाया है और गाना बहुत मज़ेदार, दमदार और एकदम भक्ति रस में आपको डुबो देगा उस तरीके का है। लेकिन काफ़ी समय बाद पवन सिंह जो है एकदम देहाती अवतार में दिख रहे हैं, शर्ट पैंट और कंधे पर एक गमछा लिए। बहुत समय हो गया था उनको इस अवतार में देखे हुए और इसी अवतार की लोग जो है जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई वाह भैया गजब, दिल जीत लिए इतने समय बाद इस अवतार में दिखे, इतने समय बाद आपके कंधे पर गमछा दिखा है। क्योंकि एक बहुत सिंपल सी बात बताऊँ तो भाई उत्तर प्रदेश वालों की जो एक आन बान शान होती है देहाती गमछा, और यही वजह है कि इस गमछे से लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं लोग, और पवन सिंह से लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि पावर स्टार से लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि भाई कुछ तगड़ा जो है अब लेकर आएंगे। अब देखते हैं, इस समय ऑलरेडी नवरात्रि चल रही है और दुर्गा पूजा पे उनकी फिल्म भी आने वाली है 20 तारीख को, अगर आपको याद हो हर हर गंगे, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है। और गाना तो भाई नवरात्र में तो लेकर ही आते हैं पवन सिंह एक से एक। फिलहाल आपको ये गाना कैसा लगा माई के निवतले बानी ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की बहुत सारी भोजपुरी इंडस्ट्री की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि देसी भारत के साथ। धन्यवाद।